हेलो जी, नमस्कार। आप सबका स्वागत है जी हमारे इस चैनल हारमोनियम गुरु में। तो पीछे मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको कुछ अलंकार बताए थे। तो मैंने 5 अलंकार बताए थे आपको बैंजो के ऊपर बजाने के लिए, ठीक है। तो आज मैं आपको कुछ और अलंकार बताऊंगा। तो उस वीडियो के नीचे किसी एक भाई ने बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेंट किया, तो मैं आप वो जो बंदे ने कमेंट किया वो मैं आप सभी से शेयर करना चाहता हूँ। तो उस बंदे ने एक कमेंट किया, अभी मेरे को उनका नाम नहीं याद किया, उन्होंने कमेंट अच्छा किया, बट मैं उनको एक इस कमेंट का जवाब देना चाहूँगा। उन्होंने पूछा कि सर, आपने जो बेंजो को ट्यून किया वो डी स्केल पे ट्यून किया है। बिल्कुल, मैंने बेंजो को डी स्केल पे ट्यून कर रखा है, ठीक है। और वो बता पूछ रहे थे कि सर, आप जो आप सारे गमा पादा निशा हमें बजाना सिखा रहे हो, वो आप चौथे बटन से सिखाना बजाना शुरू करवा रहे हैं, तो जो कि गलत है। उनका ये कमेंट था, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं आपको मान के चलिए, मैंने अगर चौथे बटन से आपको सारे गमा पादा निशा बजाना बोल बजाने के लिए बोला है, तो उसके लिए भी एक वजह है, उसके लिए भी मैंने एक्सपीरियंस किया इस चीज़ को, इसीलिए मैं आपको चौथे बटन से दे रहा हूँ। मान के चलिए, अगर आपको 5 वाला अलंकार बजाना, यानी कि सारे गामा पाधा नी, यानी कि 5 5 वाले बजाने, देखिए जैसे सा रे गा मा पा रे गा मा पा धा गा मा पा धा नी फिर मा पा धा, ठीक है। तो ये मैंने अलंकार 5 वाला, जिसमें 5 5 लेने हैं आपको। अगर मैं यही आपको चौथे बटन से मैंने सिखाया, तो आप चौथे बटन से आसानी से बजा लोगे, ठीक है। अगर मैं कहूँ उस भाई के सवाल का जवाब देने के लिए, मैं आपको बताना चाहूँ, अगर मैं कहूँ वो उस भाई के मुताबिक हमें पहले काले से ही शुरू, पहले बटन से ही सारे गामा पादा निशा शुरू करना चाहिए। अगर मैं इसी बटन से सारे गामा पादा निशा शुरू करवाता हूँ, तो आपका हाथ फिसलेगा, आपसे बजा नहीं पाए, क्योंकि इस बटन में गैप बहुत है, नीचे वाले बटन्स में गैप काफ़ी है, तो आप बजा नहीं पाएंगे। तो इसके लिए आपको बहुत ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बजाना बहुत मुश्किल। अभी मैं इससे बजा के दिखाता हूँ, सारे गामा पादा निशा 5 वाला अलंकार। तो देखिए, अभी माँ तक तो मैं आ गया, अभी वापस जाना मेरे को कितना मुश्किल हो गया, ठीक है। तो इसलिए ठीक है, मतलब आपको वापस जाना बहुत मुश्किल हो जाए, इसलिए मैंने आपको चौथा बटन सेट करवाया, क्योंकि इनके आगे वाले बटन्स में गैपिंग बहुत कम है, जो स्पेस है बटन के बीच में वो बहुत कम है, तो इनमें स्पेस ज़्यादा, इसलिए मैंने आपको चौथा बटन सेट करवाया। बाकी आपकी इच्छा है, आप कोई भी बटन सेलेक्ट कर सकते, किसी भी बटन से सारे गामा पादा निशा बजाना सीख सकते हैं। ये सवाल का जवाब उस भाई के लिए था, जिस भाई ने कमेंट किया कि वो बता रहे थे कि सर, आप गलत सिखा रहे हैं, गलत बटन से बजाना सिखा रहे हैं। देखिए, आप कोई भी स्केल चूज़ कर सकते हैं, अगर आपको इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, तो प्लीज़ आप पहले इस चीज़ की नॉलेज लीजिए कि हम कहाँ से सारे गामा पादा निशा बजा सकते हैं। अगर आपको सारे गामा पादा निशा स्वरों की नॉलेज है, आप किसी भी स्केल से सारे गामा पादा निशा बजा सकते हैं, ठीक है। और वो कभी कोई नहीं कह सकता कि गलत है, ठीक है, इसमें आपका नॉलेज की कमी है, ठीक है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं हम आगे वाले अलंकार। तो मैंने करीब उस वीडियो में मैंने आपको 5 अलंकार बताए थे, आज मैं आपको 5 और अलंकार बता रहा हूँ चौथे बटन से, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले पहला अलंकार देखते हैं, यानी कि छठा अलंकार देखते हैं। तो इसमें आपको बिल्कुल स्लो से बताऊंगा। तो सबसे पहले बजाना है सा रे गा गा, ठीक है, रे गा मा मा, ठीक है, गा मा पा पा फिर मा पा धा धा, ठीक है, फिर पा धा नी नी, ठीक है, फिर धा नी सा सा, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ, आपको वीडियो पे डिस्प्ले हो रहा है अलंकार पूरा, मैं आपको उसका बिल्कुल स्लो स्लो बजा के दिखा देता हूँ, आप भी वैसे प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। सा इस प्रकार आपका ये अलंकार बजेगा, सारे गागा रेगा मामा, ठीक है। तो अभी अगला अलंकार देखते हैं। अगले अलंकार में क्या है आपको बजाना है, सा रे गा गा फिर सा रे गा मा फिर रे गा मा मा रे गा मा पा फिर गा मा पा पा गा मा पा धा फिर मा पा धा धा मा
पा धा नी, फिर पा धा नी नी पा धा नी सा। ठीक है, इसी प्रकार इसका अवरोह देखते हैं, सा नी धा धा, सा नी धा पा, नी धा पा पा, नी धा पा मा, धा पा मा मा, धा पा मा गा, पा मा गा गा, पा मा गा रे, मा गा रे रे, मा गा रे सा। अभी इसी को मैं पूरे सही तरीके से बजा के दिखाता हूँ, इसके साथ मैं बोलूंगा नहीं, बिल्कुल बजा के दिखाता हूँ, स्लो स्लो। ठीक है, तो ये आपका अगला अलंकार हो गया। ठीक है, अभी उससे आगे वाला अलंकार देखते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, सा रे गा, सा रे गा मा, रे गा मा, रे गा मा पा, गा मा पा, गा मा पा धा, मा पा धा, मा पा धा नी, पा धा नी पा धा नी सा। अभी इसका अवरोह देखते हैं, सा नी धा, सा नी धा पा, नी धा पा, नी धा पा मा, धा पा मा, धा पा मा गा, पा मा गा, पा मा गा रे, मा गा रे, मा गा रे सा। ठीक है, इस प्रकार इसकी जो नोटेशन है अलंकार की, अभी मैं इसी अलंकार को आपको पूरा बजा के दिखाता हूं। ठीक है, तो ये आपका अगला अलंकार हो गया। ठीक है, बिल्कुल स्लो स्लो बजाना है, अभी मैं भी थोड़ा फास्ट हूँ, क्योंकि देखिए अगर मैं स्लो स्लो बताऊंगी, इतनी स्पीड से नहीं बताऊंगा, तो आपके जो अलंकार मैं एक ही दो ही कवर होंगे एक वीडियो में। ठीक है, तो इस वजह से मैं इतनी स्पीड में बता रहा हूँ, बाकी आपको अलंकार की जो नोटेशन है वीडियो में डिस्प्ले हो रही है, आप देख के खुद से बजा सकते हैं। ठीक है, कोई भी अलंकार आप खुद से बजा सकते हैं देख के, तो आपको नोटेशन ऊपर दिख ही रहा है। ठीक है, तो अभी अगला अलंकार देखते हैं। तो अभी अगले अलंकार में क्या करना आपको, देखिए, सा रे सा रे सा गा, रे गा रे मा गा मा गा पा, मा पा मा धा पा नी धा नी धा सा। अभी वापिस, सा नी सा धा नी धा नी पा, धा पा धा मा, पा मा पा गा, मा गा मा रे गा रे गा सा। ठीक है, अभी इस अलंकार को मैं खाली बजा के दिखाता हूं। Thank you.
ठीक है, तो ये आपका चौथा अलंकार हो गया। अभी पांचवा लास्ट अलंकार देखते हैं। अभी क्या करना है, लास्ट इसी अलंकार को स्लो स्लो देखते हैं। सा रे सा रे गा मा, फिर रे गा रे मा रे गा मा पा, फिर गा मा गा पा गा मा पा धा, फिर मा पा मा पा धा नी पा धा पा नी पा धा नी सा। अभी इसका अवरोह देखते हैं। सा नी सा नी धा पा नी धा नी पा, फिर धा, सॉरी मिस्टेक हो गया, दोबारा देखते हैं अवरोह। सा नी धा पा, फिर नी धा नी पा, फिर नी धा पा मा धा पा धा मा धा पा मा गा, फिर पा मा पा मा गा रे मा गा मा गा रे सा। ठीक है, इस प्रकार बजेगा। तो अभी मैंने आज इस वीडियो में आपको पांच अलंकार बताए हैं, और ठीक है मैंने पिछले वीडियो में आपको पांच बताए थे, आज भी के वीडियो में पांच, टोटल 10 अलंकार हो गए। स्केल वही है, चौथे बटन से मैंने आपको सारे गमा पा निशा वाले अलंकार सिखाए। इससे क्या बेनिफिट होगा, आपका हाथ जब फ्री हो जाएगा तो आपको ऑटोमेटिकली कोई भी गाने में आपको दिक्कत नहीं होगी बजाने में। तो आप इस अलंकार का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, पहले स्लो स्पीड में करें, फिर इसको स्पीड बढ़ा के करें, और एक प्रॉपर स्पीड में करें, एक प्रॉपर लय में करें, ठीक है। और आप जरूरी नहीं है कि अगर मैंने आपको चौथे बटन से बताया कि आप सारेगामा पा धा निसा बजाओ, आप किसी भी स्केल से बजा सकते हैं अगर आपको नॉलेज है कि सारेगामा पा धा निसा कैसे बनाना है किसी भी स्केल से, ठीक है। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक बटन दबाएं और शेयर करें इस वीडियो को, और ठीक है, और अगर ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हो तो आप ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं बेंजो का, आपको नीचे मेरा नंबर डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल नहीं उठाता मैं इस नंबर पे, सिर्फ व्हाट्सएप चालू है मेरा इस नंबर पे, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो भी सीखने के चाहवान है, ठीक है। तो शुक्रिया, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।